हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है फिर फिटनेस। माय नेम इज आकाश एंड आई एम फ्रॉम fitfitnessonline.com। मैं पिछले 5 साल से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहा हूँ और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं हमारी फीमेल्स के बारे में जो घर पर रहती हैं, जो हमारी हाउस वाइफ हैं, जो जिम नहीं जा पाती, वो घर बैठे कैसे स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज का पार्ट पूरा कवर कर लिया है और आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। तो मैंने ऐसा डाइट चार्ट बनाया है, ऐसा डाइट प्लान बनाया है ताकि जो हमारी हाउस वाइफ है, जो हमारी गृहिणी है, घर पर रहकर बहुत आराम से, बहुत आसानी से जिसको फॉलो कर सके। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर तो स्टार्ट करते हैं सुबह से। आपको सुबह उठकर क्या करना है? आपको सुबह उठकर एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि हमारे पेट में, हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि एकदम तेजाब की तरह होता है, और अगर आप किसी भी गर्म चीज़ पर कोई ठंडा पानी फेंकेंगे तो एकदम से मतलब कि एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट टाइप होता है जो कि स्टमक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा सुबह उठकर ठंडा पानी न पीएं। कोशिश करें कि हल्का सा वार्म वाटर पिए, कम से कम 2 गिलास वार्म वाटर पिए ताकि सुबह से ही आपके पेट में गड़बड़ी स्टार्ट ना हो और आपकी शुरुआत ही दिन की अच्छे से हो। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके कुछ देर बाद आप अच्छे से फ्रेश हो लें, आप ब्रश कर लें, अच्छे से आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आप बनाएं लेमन वाटर। लेमन वाटर को क्या करना है, 2 गिलास पानी लेना है, उसमें एक नींबू निचोड़ना है और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और उसको पिएं। फिर उसके 1 घंटे बाद आप आराम से नहा लें, धो लें, या बच्चों को अपने स्कूल छोड़ना है, आपको ब्रेकफास्ट बनाना है बच्चों के लिए, वो कर लें। उसके बाद आप एक फ्रूट खाएं, कोई भी एक फ्रूट, ऑरेंज ले लें, एप्पल ले लें, बनाना ले लें। बनाना खाने तो कम से कम 2 बनाना खाने की कोशिश करें और उसके बाद रेस्ट करें थोड़े टाइम। एक आप ग्रीन टी बना लें, 15 से 20 मिनट होता है, एक ग्रीन टी बना लें और ग्रीन टी पिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुगर को बिल्कुल छोड़ने का ट्राई करें, शुगर बिल्कुल आप बिल्कुल ना ही लें तो ही अच्छा है। और जब भी जैसे कि आपकी, जैसे महिलाओं की जितनी मर्जी हो जाए उनकी फिक्स रहती है कि भाई दिन में 3 से 4 चाय तो पीनी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस चाय को ग्रीन टी से रिप्लेस करें, ग्रीन टी पीने की कोशिश करें, और जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, ये हमारे बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा ग्रीन टी पिए। और फिर हम ब्रेकफास्ट आते हैं, तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में अगर आप एग खा सकते हैं तो एग खाइए, एग ऑमलेट ले लीजिए, टोस्ट बना लीजिए ऑमलेट का, और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आप एग भी नहीं खा सकते, तो आप पोटैटो सैंडविच बना लीजिए, सैंडविच बना सकते हैं पोटैटो का, या फिर आप पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, या फिर उसके अलावा सबसे हेल्दी और सबसे अच्छी चीज़ है आप ब्लैक चना, काला चना जो है उसको रात को सोख करके रखें, सुबह को उठकर उसको बॉयल करें और फिर उसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद उसमें आप अपने स्पाइसी जो भी आपके मसाले वो डालें, थोड़ी सी प्याज डालें और उसको बनाकर रख लें, फ्रिज में रख दें आप, वो आराम से 3-4 दिन चलेगा, और उसका सैंडविच बनाए। आपको ये करना है बस हल्का सा उसको अपने ब्रेड के ऊपर लगाना है और उसका सैंडविच बना के खाना है। उसके साथ आप 1 गिलास दूध दें, दूध बहुत ज़रूरी है, आपको दिन में 1 गिलास दूध पीना ज़रूरी है। मैंने ये नोटिस करा है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीते, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ हमारी बॉडी के लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी कैल्शियम से बनी हुई है, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम पर ही फॉर्म हो रहा है, हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो कैल्शियम ही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिन में कैल्शियम जरूर लें, 1 गिलास दूध जरूर पिए, तभी होता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ है कि लोगों में कैल्शियम की कमी आती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 1 गिलास दूध तो पीने की कोशिश करें, पिए ही, और उसके बाद अब आप आराम से रेस्ट करें, थोड़ी सी नींद वींद ले लें, 1-1.5 घंटे सोएं आराम से, बॉडी को रेस्ट दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप रात में 5 से 6 घंटे ही सोएं, तो बॉडी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। तो आप अब आराम से रेस्ट करें 1 से 1.5 घंटे, और फिर अब आप बात करते हैं हम लंच की। तो लंच में आपको क्या करना है, लंच में आपको लेडीज़ 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, दाल और थोड़े से चावल, और हो सके तो आप थोड़ी सैलेड ले लें, उसको खाएं, ज़रूर खाएं, लंच स्किप ना करें। मैंने देखा है कि लोग लंच शाम के 5 बजे 6 बजे करते हैं, प्लीज़ इसको स्किप ना करें, लंच बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मील्स लेना बहुत ज़रूरी बॉडी के लिए, अगर आपको बॉडी को स्वस्थ रखना है, अगर आपको अपने हज़ारों लाखों रुपए बचाने हैं, आपको अपनी फैमिली को ट्रबल नहीं कराना है, उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको
किसी भी अस्पताल में जाके ऐसे वेस्ट नहीं करना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, दोपहर की मील को जरूर लें, लंच जरूर करें। अगर आपको भूख नहीं लगी, आप एक रोटी दाल सब्जी थोड़े चावल खाएं, मगर लंच जरूर करें। अब हमारा लंच का पार्ट, अब हम बात करेंगे हमारे इवनिंग स्नैक्स की, शाम की चाय। शाम की चाय को आप रिप्लेस कर दें हमारी कॉफ़ी से, या तो कॉफ़ी लें या फिर लें ग्रीन टी, उसके साथ में नट्स। नट्स में आपको क्या करना है, आपको किशमिश लेनी, बादाम लेने, काजू लेने और पीनट्स, मूंगफली के दाने लेके उसको मिक्स करके रख लें, और एक हैंडफुल एक अपनी मुट्ठी में नट्स लें और उसको एक बॉल में लेके अपनी चाय के साथ खाएं आराम से, या कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी बेस्ट है आपके फैट बर्निंग के लिए भी, और आपके स्किन के लिए भी कॉफ़ी बेस्ट है। अगर आप कॉफ़ी ले सकते हैं तो एक टाइम तो कॉफ़ी लेने की ट्राई करें, ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करें लेने के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं शाम को आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी आप वॉक पे जरूर जाएं, खुली हवा में जरूर जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए खुली हवा बहुत जरूरी है। इसके कारण क्या होता है, लेडीज डिप्रेशन में चली जाती, क्योंकि वह हमेशा एक ही चार दीवारी के अंदर बंद रहती हैं और देखती नहीं बाहर क्या है क्या नहीं है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शाम के टाइम तो बाहर जरूर जाएं, या फिर आप अपने छत पे चले, टेरेस पे जाए, थोड़ी देर घूम के आए छत पर जाके, क्योंकि हमारे लिए खुली हवा बहुत जरूरी है, हमारे लिए पानी, खुली हवा और खाना बहुत जरूरी है। तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, तो आप मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि आप जरूर 10 से 20 मिनट के लिए खुली हवा, बाहर की खुली हवा लें। उसके बाद हम बात करते हैं अपने डिनर की। तो डिनर में आपको क्या करना है, डिनर में आपको लेना है दो रोटी, सब्जी और दही, और दाल हो सके दाल भी ले सकते हैं, दही जरूर लेना है शाम के टाइम। उसके साथ में सैलेड, सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रात में खाना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सैलेड जरूर खाएं रात में, अगर आपको भूख नहीं लगती, आपका मन नहीं खाने का, तो आप सैलेड खा लें, सैलेड और दही खा लें। और मैं तो आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मील स्किप ना करें, डिनर भी जरूर करें। अब हमने अपनी मील कवर कर ली, अब उसके बाद क्या है ना, कुछ एड ऑन्स हैं, मल्टी वाइटामिन या फिर ओमेगा 3 अगर आप बोल सकते हैं। मल्टी वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मल्टी वाइटामिन जो कैप्सूल होता है उसमें होते हैं 13 वाइटामिन एंड 17 मिनरल्स, जो हमारी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, तो उसके लिए एंजाइम की तरह काम करता है मल्टी वाइटामिन और मिनरल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मल्टी वाइटामिन जरूर लें, और इसको आप सुबह ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ, एक टैबलेट या फिर एक कैप्सूल मल्टी वाइटामिन लें, और रात के टाइम पर सोने से पहले ओमेगा 3 बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी स्किन के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी को ये भी इम्प्रूव करता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप ओमेगा 3 और मल्टी वाइटामिन एड ऑन करें अपनी डेली लाइफ में, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप कि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और यह मेरा तो यही मोटिव है कि आप घर बैठे स्वस्थ रह सकें, और मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी हमारी हाउस वाइफ है मैं उनको घर बैठे कैसे फिट रख सकूँ, ताकि वो कभी भी किसी तरीके की बीमारी से परेशान रहें, क्योंकि यार एक तो पूरी सुबह से शाम तक वो काम करती हैं, ऊपर से बॉडी में पेन या फिर कुछ भी कुछ ना कुछ रहता ही है उनको, कुछ कहीं पे दर्द रहता है, कुछ बीमारी रहती है, उनको घर का काम नहीं करना है। तो मेरा यार यही मोटिव है कि आप सब घर बैठे स्वस्थ रहें, और जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, अपनी मम्मी अपनी दीदी को दिखाएं, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अब हमने अपना फीमेल्स का पार्ट पूरा जो हमारी हाउस वाइफ है उसका कवर कर लिया है, और बस मैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस पर काम करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर रिलेटिव्स ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।